गवार जिठानी मॉडर्न देवरानी। अर्पिता की शादी राकेश से तय होती है, जो एक सरकारी नौकरी करता था। अरे चाची, अर्पिता इतनी सुंदर, पढ़ी लिखी और मॉडर्न लड़की है, फिर कहाँ आप इसकी शादी ऐसे घर में कर रही हैं? अरे लड़का सरकारी नौकरी करता है, इंजीनियर है, खूब कमाता है, खूब मेहनत की है लड़के ने इस नौकरी के लिए। अर्पिता भी राकेश को पसंद नहीं करती थी, लेकिन पिता ने हाँ कर दिया तो शादी के लिए मन मार कर तैयारी कर रही थी। हाँ माँ, चाची ठीक ही तो कह रही हैं। पता है मेरी सहेलियों के पति कितने मॉडर्न हैं? अरे देख बेटा, तू मॉडर्न है ना, वो पढ़ने लिखने वाला गांव का होनहार लड़का है, तू जैसा रखेगी रहेगा। अब तक कोई उसकी केयर करने वाला नहीं था, है तो सिर्फ एक भाई भाभी और माँ पिता तो गाँव में ही रहते हैं। अर्पिता का मुंह बन जाता है, वो पिता के फोन से राकेश का नंबर लेकर उसे मिलने के लिए बुलाती है। आज तो मैं उसे साफ साफ मना कर दूंगी, मुझे नहीं करनी शादी। शक्ल देखिए, ना कपड़े पहनने का तरीका है ना बोलने का। अर्पिता राकेश से मिलने जाती है। अब क्या हो गया, आपने मुझे अर्जेंट मिलने को बुलाया, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, पर मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, आप ना इस शादी से मना कर दे। राकेश की आंखें अर्पिता की इस बात से लाल हो जाती है, वो रोंधे गले से कहता है, लेकिन शादी की सारी तैयारियां हो गई हैं, मैंने आपके साथ एक अच्छे भविष्य का सपना भी देख लिया है, ऐसा मत करिए प्लीज। माँ पिता के अलावा मैंने किसी को दिल से अपना माना है तो वो आप ही है। देखिए मुझे आपसे कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप मेरे जैसे नहीं है, मैं मॉडर्न लड़की और आप। मैं आपसे वादा करता हूँ, जब तक आपके लायक नहीं बन जाता मैं कभी आपसे बीवी का हक नहीं मांगूंगा। अर्पिता राकेश का प्यार देखकर पिघल जाती है और शादी के लिए हाँ कर देती है। दोनों की शादी हो जाती है, लेकिन शादी के बाद राकेश की भाभी जो की पूरी देहाती थी, ए राकेश उठ, जब पानी भर कर ला, और तेरे बीवी को बोल के चूल्हा लगा दिया है, रोटी बना ले। क्या है ये सब, और तुम्हारी भाभी इस तरह चिल्ला क्यों रही है? अब क्या करूं, भाभी ही खाना बनाती है और मुझे पढ़ने के लिए इस घर में रखा, तो मैं घर का सारा काम कर देता हूं। अब तुम आ गई हो, अपने तरीके से देख लो। ये मकान तो तुम्हारे पापा ने बनवाया था ना शहर में, ताकि बेटा पढ़ाई कर सके। हाँ पर भाभी ही पूरे घर में रहती है। ठीक है, देखो अब। अर्पिता बाहर जाती है, सूट पहनी अर्पिता को देखकर जिठानी का पारा हाई हो जाता है। ऐ शहर की हीरोइन, यहाँ ना चलेगा ये सब, समझी? साड़ी पहनो साड़ी, वो नारंगी वाली निकाले हैं तुम्हारे लिए, जिसमें हरे रंग का फूल बना है, और सीधे पहुंचो रसोई में, मेरे आगे नहीं चलेगा ये सूट बूट का नाटक, समझी? देखिए भाभी, आप बड़ी हैं, आपने राकेश की पढ़ाई में मदद की, लेकिन ये मकान इनके पिताजी का है, तो मैं अपना पोर्शन अलग कर रही हूँ, मैं आज से आपके साथ नहीं रहूंगी। जिठानी का तो मानो पारा ही हाई हो जाता है। और आज तो कैसे नहीं रहेगी, हाँ? और कौन बोला कि राकेश अलग हो जाएगा, वो अपने भाई के बिना नहीं रहता। आज देखिए तो, देखिए कल के आई छोरी क्या बोल रही है। राकेश के साथ बात हो गई है, मैंने ऊपर का हिस्सा राकेश को दे दिया है, उसके अपनी जिंदगी शुरू हो रही है, तो अच्छा है ना कि अब रसोई भी अलग हो जाए। अर्पिता राकेश की ओर फक्र से देखती है कि उसने अर्पिता के लिए स्टैंड लिया। अर्पिता बाजार में जाकर सारा रसोई का सामान ले आती है, पिता के दिए सामान से घर सजाती है और अपने तरीके से पूरे घर की सजावट करती है। शाम को राकेश ऑफिस से आता है, कुर्ता पैजामे में राकेश को देखकर, अरे ये क्या पहना है? भाभी सिलती है ना कुर्ता, मैं सारी कमाई भाभी को ही दे देता हूँ। लेकिन अब ना बीबी को देना होगा, क्योंकि भैया भी अच्छी नौकरी करते हैं, भाभी अपने पति का पैसा संभालें और मैं अपने पति का पैसा संभालूंगी। तभी भाभी आ जाती है। अरे देखो बहुत हो गया, हाँ अलग रहने तक तो ठीक था, लेकिन पैसा हम एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे, बचपन से तुम्हारे पति को हमने पाला है, उसका हिसाब दो। अच्छा हिसाब चाहिए, कितना पढ़ी है आप जो आपको हिसाब चाहिए? बड़े भाई हैं उनकी, जिन्होंने उन्हें पढ़ाया लिखाया, वो हिसाब मांगेगी
तो जरूर दे दूंगी भाभी। अरे देख हाँ, अगर तूने पढ़ाई की है तो मैं भी अंगूठा छापना हूँ। अरे 5 की रात तक पूरी पढ़ाई की है समझे। वैसे भी कल इन लोगों के माँ बाबू जी आ रहे हैं गाँव से, वही लोग ठिकाने लगाएंगे तुझे। अगले दिन सास ससुर आते हैं, दोनों बहुत ही सीधे लोग। अच्छा किया जो ऊपर के हिस्से में राकेश की गृहस्थी लगा दी, अब दोनों बेटे अपना अपना देख ले। छोटी बहू कहाँ है? अरे बहुत ही चलाक है माँ जी, ऐसी जबान चलाती है जैसे दर्जी कैंचे चलाता हो। वैसे बहू तुम भी कम नहीं थी। और सुनाओ। तभी छोटी बहू सास ससुर के पैर छूकर उन लोगों को चाय और नाश्ता देती है। माँ जी आप थक गई होंगी, मैं खाना लगा देती हूँ, ऊपर आ जाइए चाय पीकर। अरे बस बस यही रहेंगे वो, क्योंकि बड़ी बहू मैं हूँ, हमें सास है, इनके माँ बाबू जी मेरे पास ही आए हैं। चलिए माँ जी आप ना किचन में खाना बनाइए, मैं जरा बाजार होकर आती हूँ और फिर साथ में खाना खाते हैं। जेठानी बाजार निकल जाती है और सास ससुर बेचारे घर पर अकेले। फिर दोपहर को, माँ जी मैंने आप सभी के लिए खाना बनाया है, माना मैं छोटी हूँ लेकिन अच्छा लगेगा अगर आप लोग मेरे साथ रहें। वैसे भी यहाँ है कौन बेटा, चलो ऊपर राकेश के पास ही चलते हैं। सास ससुर दोपहर का खाना खाकर वहीं आराम करने लगते हैं कि जेठानी आ जाती है। अरे वाह, ये तो वही बात हुई ना कल की, आई को पूरा परिवार और हम अकेले के अकेले। भाभी देखिए परिवार में प्यार से रहा जाता है ना कि चलाकी से। अम्मा खाना कैसे बनाती, पहले ही गांव से थक कर आई हैं। हाय रे दया, तो मैं का बाजार से ऐस करके आ रही हूँ। अरे भूख के मारे मेरा सर दर्द हो रहा है, पर यहाँ मेरी फिक्र कौन करेगा। अरे तो किचन में खाना है, लगा देती हूँ मैं भाभी। बड़ी बैठकर खाना खाती है और शाम को जब राकेश घर आता है। अरे राकेश तू तो पूरा हीरो लग रहा है इन कपड़ों में, ऐसे कपड़े पहले क्यों नहीं पहनता था। राकेश बीबी की तरफ देखता है और फिर कहता है, माँ पहले पहनाने वाली नहीं थी ना। हाँ हाँ, और हम जो हाथ से सिल सिल कर कुर्ता पहनाते थे उसका का। अरे तुम्हारे भैया तो आज भी पहन रहे हैं। तभी अर्पिता सास के लिए कपड़े और ससुर के लिए शर्ट पैंट ला कर देती है। उन लोगों को फ्रिज से ठंडा पानी और टीवी में फिल्म दिखाती है। अरे कब से इनको बोल रहे हैं कि फ्रिज वाले आओ, लेकिन ये है कि मानत ही ना है। बहू अब तो तुम ही समझाओ ससुर जी को। नहीं पापा आप फ्रिज मत लीजिए। अरे वाह छोटे, खुद फ्रिज का ऐसे का मजा ले, और इनकी माँ के पास फ्रिज भी ना हो। अरे देखा पिताजी, देखा माँ जी कब बोल रही है। अरे उसकी पूरी बात तो सुन लो कि वो क्या बोल रही है। वो इसलिए क्योंकि अब माँ जी और पापा यही रहेंगे मेरे पास। घर को घर सिर्फ मॉडर्न या गांव की सोच नहीं बल्कि संस्कार बनाते हैं भाभी, और संस्कार अच्छे हो तो सब सही हो जाता है।